हेलो भाई, दिस इज अंशुल माल। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई अभी मैं बैठा हूँ i20 डीजल में अपनी। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको इसका टॉर्क टेस्ट करके दिखाऊंगा कि गाड़ी बिना एक्सीलेटर के कौन से गियर तक जा सकती है। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इतने आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आप नए हो। तो चलो भाई चलते हैं। मैंने पहला गियर डाल लिया, ठीक है। और देखो ये मेरा पैर है, यहाँ पर रखूँगा मैं इसको, एक्सीलेटर पैडल वो रहा, ठीक है। और ये मैंने क्लच छोड़ा, बिना एक्सीलेटर दिए जो है हम देखेंगे कहाँ तक जाएगी गाड़ी। पहले गियर में जा रही है 7 तक। अभी देखो पैर मेरा अंदर ही है और मैंने दूसरे गियर में लगा के इसको क्लच छोड़ दिया है और दूसरे में जो है 14 पे पहुंच गई है। अब आराम से चल रही गाड़ी। अब हम लगाएंगे तीसरा गियर, ये देखो, और पैर देखो मेरा अंदर ही है, तीसरा मैंने छोड़ा। तो RPM भी आप देखते रहना, आपको RPM से पता लगता रहेगा कि मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ नहीं कर रहा। 24 पे चल रही है, 25 तक आ गई भाई तीसरे गियर में, ठीक है। और देखो अब लगाता हूँ चौथा गियर, चौथे में भी भाग ली भाई आराम से। अभी तक एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है गाड़ी को, पैर मेरा हो रहा आप देख सकते हो। 34 पे भाग रही है भाई, 35 पे चौथे गियर में। तो यही फ़ायदा है यार, डीजल में ना टॉर्क काफ़ी होता है, इस वजह से इतनी बड़ी चल रही चौथे गियर में। अब मैं लगाता हूँ इसका पाँचवा गियर, ठीक है। और अब भाई पाँचवें में भी देखो RPM आप देख सकते हो, पैर मेरा ये रहा। और पाँचवें गियर में भाई 42 पे 42 पे चल रही है ये, और भाई कोई लोड नहीं ले रही, कोई झटका नहीं मान रही, ठीक है। देख लो पाँचवें गियर में भाई, और वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 43 पे चल रही है और पूरी भाग रही है, देख लो। और ये कोई भी जो है नीचे मेरे पैर वगैरह सब हटे हुए हैं, ये फ़ायदा भाई। अब मैं छठा लगा के देखता हूँ क्या करती है। अब लगा दिया भाई छठा गियर, और भाई छठे में भी चल रही है, देख लो 45, 46, 47, 48, और अब मुझे रोकनी पड़ेगी भाई। मान गया कि गाड़ी में भाई पावर इतनी है कि छठे गियर में बिना एक्सीलेटर के गाड़ी चल रही थी और मुझे रोकनी पड़ी। हल्का सा इसने लोड नहीं लिया, क्यों भैया लगा आपको कि लोड लिया कुछ गाड़ी ने, कुछ ऐसा लगा? नहीं, फील नहीं हुआ। हाँ तो भाई यही बस इसलिए मुझे i20 पसंद है डीजल, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा इंजन है। देखो हालांकि स्विफ्ट बहुत अच्छी चलती है डीजल में, लेकिन इसका थोड़ा सा बड़ा इंजन है इसलिए लोड कम लेती है। 1400 cc का इसका इंजन है और इसलिए मुझे बस डीजल से प्यार है। और आगे जो है तालाब बनना पड़ा है, अभी यहाँ से जो है इसकी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग होने वाली है। अभी दूसरे गियर में गाड़ी है और पानी से निकाल के ले जाने पड़ेंगे भाई। अभी देखते हैं कैसे निकलती है, आगे सारी जा रही हैं। और ये थोड़ी ऊंची गाड़ी का फायदा होता है, MG एक्टर वाला उधर से ले गया निकाल के। हमारे से छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है नीचे गाड़ियाँ वो साइड से जाएंगी डर डर के, पर इनका भी यार अलग मज़ा। देखो नीचे गाड़ी का मज़ा अलग है, चिपक के चलती है, सबका अलग है। एवरेज अच्छी है इसकी छोटी गाड़ी की, सो अपने यूज़ के हिसाब से लेते हैं। और रुक गए भाई, जाम सा लग गया, पता नहीं क्या हो रहा है अभी। तो भाई वाकई में मतलब छठे गियर तक चल गई ना गाड़ी, बहुत मज़ा आ गया। टॉर्क आप जिसके पास भी डीजल हो ना भाई वो चला के देखना, और यही मजा है बस मैनुअल का कि ऐसी भागती जा रही थी। और i10 वाला भी ले गया उधर से, इतना पानी भी नहीं है वैसे, इधर तो सूखा सा ही पड़ा एक साइड। अरे आगे तो डूब जाएगी, आगे ज्यादा पानी है, इधर ही रख लेते हैं इस साइड ही। तो भाई कमेंट करके बताना किस किसके पास i20 है, या फिर और भी कोई गाड़ी वैसे। अभी ब्रेजा जा रही है, मेरे को स्विफ्ट याद आ रही है, जिसके पास भी ना वो अपनी चला के देखना और पेट्रोल भी चला के देखना, हो सकता है पेट्रोल भी चल जाए यार, क्योंकि मेरे को तो इतना अंदाजा नहीं है पेट्रोल का, पेट्रोल में भी काफ़ी पावर होती है। और चला के देखना और उसके बाद कमेंट करके बताना मैं किस किसी गाड़ी चल रही हूँ, किस किसकी अटकी कौन से गियर में, तो खुद के लिए टेस्ट है। और अभी देखो पानी जो आ गया बढ़िया भरा पड़ा है, यहाँ से निकालते हैं। ब्रेजा तो जो है डूब नहीं रही है, और हमारी i20 का पता नहीं लग रहा मुझे कहाँ पर साइलेंसर है इसका, कहाँ पर कहाँ पानी है, पर पानी बढ़िया अच्छा खासा भरा पड़ा है। पूरी ऑफ रोडिंग सी हो रही है, मतलब ऑफ रोडिंग क्या, नदी क्रॉस हो रही है एक तरीके से लगा लो। अभी हम साहिबाबाद में हैं, ये हाल है साहिबाबाद का, दिल्ली का भी ऐसे यार। और आगे भी एक और तालाब बनना पड़ा है, वहाँ से भी क्रॉस करनी पड़ेगी हमें गाड़ी। ओह माय गॉड, टफ डे एट वर्क। इधर भी पानी भरा पड़ा है काफी, इधर पर इस साइड नहीं है, अभी लेफ्ट साइड में ही ज्यादा पानी है। देखो पर यार नीचे गाड़ी भी निकल जाती है, बहुत ज्यादा जब पानी होता है ना तभी दिक्कत होती है कि मतलब बोनेट तक ही पानी आ गया, नहीं तो इतने पानी में तो सारी गाड़ियां निकल जाती हैं।
से ट्रक आ रहा है, पानी की लहरें फेंक रहा है इधर से ज्यादा। निकल तो रही यार आराम से गाड़ी, क्योंकि ज्यादा कोई पानी नहीं है, हल्का फुल्का ही है। तो चलो भाई इस वीडियो में इतना ही, यहाँ से तो हम क्रॉस कर ही लेंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, अच्छा सा लगता है थोड़ा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और मेरे को कमेंट करके बता देना अगर I-20 से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं अभी न्यू गाड़ी प्लान कर रहा हूँ लेने का, और आप मेरे को बताना कि मैं मतलब थोड़ी SUV चाहिए मेरे को, 7-सीटर, तो आप बताना मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कमेंट करके, जो भी लोग वीडियो देखेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कोई कमेंट करेगा, बट फिर भी अगर कोई देखे तो कमेंट जरूर करना कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।